नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता साथी व सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं एजेंट साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। एक और नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद पीके पर मैं हूं पिंकू कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद पीके। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को मालूम है, सहारा इंडिया में हम लोगों का काफ़ी दिनों से पैसा फंसा हुआ पड़ा है। कल अपना पावन पर्व दीपावली भी हो गया है। अब आइए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं, जो सहारा में हम लोगों का पैसा फंसा हुआ पड़ा है उस पैसे को लेकर विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी ने ये बयान दिया है कि सहारा का भुगतान इतना लेट क्यों हो रहा है। पोर्टल से तो हो रहा है, लेकिन सहारा के ऑफिस जो हैं क्यों नहीं खुल रहे हैं, क्या हम लोगों की गलतियां हैं और कैसे खुलेंगे, इसकी पूरी जानकारी उन्होंने बताई है। वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सहारा भुगतान को लेकर जो भी हम लोगों ने संघर्ष किए हैं, वो संघर्ष कभी खाली नहीं जाएगा। जो हम लोगों की मेहनत होती है उसका परिणाम अवश्य मिलता है। और उन्होंने कहा है कि सच कभी हारता नहीं है, तो बात एकदम क्लियर है। सत्य की जो लड़ाई होती है कभी भी पराजित नहीं होती है, हमेशा जीत ही होती है सत्य की। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और हम सीधा वीडियो के टॉपिक पर चलना चाहेंगे और वीडियो क्लिप को यहीं से स्टार्ट करना चाहेंगे, ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए जो कुशवाहा जी ने जानकारी दी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें देर इसलिए हो पा रहा है कि आज भी कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग कंपनी पर अंधा विश्वास बनाए हुए हैं और उनको लगता है कि वो पुराना समय फिर से बहाल हो जाएगा, जब एक बार फिर से हम कन्वर्जन करवा पाएंगे और मोटी मोटी कमीशन सहारा से ले पाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का अपना दायरा बढ़ गया, लोग जांच कर रहे हैं और इस जांच में जो भी निकलेगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पर आएगा। भाई नौसाद जी ने भी जो बातें कहा वो बिल्कुल सही बात है। SFIO का जो जांच हुआ था उसका रिपोर्ट माननीय संसद के पटल पे रखा हुआ है, उसकी कॉपी हम लोगों को भी हाथ लगी है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो हम लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं, जिसको सहारा के पक्षकार लोग मानने को तैयार नहीं होते, पता नहीं कितना उनका आत्मा मर गया है, समझ में नहीं आता, साफ मुकर जाते हैं कि हम लोगों ने कोई कन्वर्जन नहीं किया, जबकि SFIO का जांच रिपोर्ट कह रहा है कि कन्वर्जन हुआ है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसा ट्रांसफर हुआ है। चूंकि SFIO केवल कंपनी की जांच करती है, जो 9 कंपनियों का दिया गया है, जिसमें सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड से लेकर के सहारा फाइनेंशियल, कमर्शियल और प्राइम सिटी वगैरह जो कंपनी है, केवल उसकी जांच करना है, सहारा का सोसाइटी का जांच वो नहीं कर सकते, वो उनके दायरे में नहीं आता। तो जो कंपनी का जो जांच हुआ उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसको हम नकार नहीं सकते, SFIO जांच कर रही है और इतना लंबा समय से जांच कर रही है, तो उसने लिखा है कि हाँ, सहारा का पैसा एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर हुआ है। हो सकता है कि सहारा के जो पक्षकार हो उनका ज्यादा नॉलेज होगा कि इन पत्रों को मानने को तैयार नहीं है जो जांच एजेंसियां दे चुकी है। यही गलती तो पहले भी हम लोग किए ना, जब SEBI ने कहा था कि रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का पैसा गलत तरीके से लिया गया है, इसका पैसा वापस कीजिए, तो हम लोग SEBI के ऊपर ही उंगली उठाते थे और इस निर्णय को मानने को तैयार नहीं थे जी। और वो निर्णय इतना भारी पड़ा कि आज वो सुप्रीम कोर्ट के पटल पर गया और आज उसी केस से कंपनी तार तार हो गई और आज इस धरातल इस रसातल में चली गई। भी एक सच्चाई आपके सामने खड़ी है कि SFIO की तरफ से सहारा के एजेंटों को जो उन कंपनियों में काम किए थे
वो चाहे सहारा के पक्ष में खड़े हैं चाहे सहारा के विरोध में खड़े हैं, उससे SFIO को कोई मतलब नहीं है। वो किन्हीं को भी सम्मन भेज सकते हैं और अपने पास बुला करके पूछताछ कर सकते हैं। और उस पत्र की भाषा क्या है ये सब लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा है कि आपके द्वारा, कंपनी के बारे में नहीं पूछा जा रहा, आपके द्वारा कितना कन्वर्जन किस कंपनी में कराया गया है। वो अपने जमाकर्ता जो एजेंट है अपने जमाकर्ता का लिस्ट वहां देंगे, और उससे क्या होगा कि वो जो जांच में बातें आएगी उन एजेंटों को विटनेस बनाया जा सकता है, सरकारी गवाह बनाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में उनको बयान देने के लिए कहा जा सकता है, कहा जा सकता है जी। कोई भी केस जब सरकारी कंपनियां करती है, सॉरी सरकारी जांच एजेंसियां करती है, चाहे पुलिस हो या CBI हो या कोई भी हो, तो उनको गवाह के रूप में सहारा बंधु, जैसा कि आप लोगों ने इस छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। देखिए कुशवाहा जी का भी कहना सही है कि किस प्रकार से हम लोगों को भुगतान लेना है और किस प्रकार से अपने संघर्षों के प्रति अडिग रहना है। देखिए जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे तब तक इससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे और लगातार संघर्ष जारी है। अब अभी 2-3 दिन और दीपावली की छुट्टी में माननीय सुप्रीम कोर्ट हो सकता है हॉलीडे मनाए, सभी लोग हॉलीडे मनाएंगे, फिर उसके बाद में लगभग 8 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक होने वाली है और लगभग 11 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नए जस्टिस की एंट्री भी होनी है। उसके बाद में फिर से सहारा इंडिया मामले को फिर से गर्म किया जाएगा और फिर से जो है नया काम धाम शुरू होगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि पैसा नहीं मिल पाएगा? पैसा अवश्य मिलेगा, पोर्टल एक ना एक दिन बंद होगा, ये सभी 12 से 13 करोड़ पीड़ितों का कहना है। हालांकि जो मिल रहा है अभी तो उसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, कहते हैं ना जो मिल रहा है उसे पहले स्वीकार करो बाद में तो देखा ही जाएगा। इससे कुछ सहारा पीड़ितों का तो भला हो रहा है, लेकिन जितने बचे हुए सहारा के जमाकर्ता साथी हैं उनके जो दिल में ऐसी धड़कन चल रही है वो धड़कन शायद कोई नहीं समझ सकता है उनके अलावा। और जिस प्रकार से सरकार ने सभी के प्रति वफादारी कह सकते हैं कि है, वो तो सरकार को मालूम है और जन साथियों को मालूम है, ऐसी वफादारी का परिणाम भी देखने को मिलेगा सरकार को। हम क्यों कहें कि वफादारी नहीं की है, स्वयं सरकार भी जान रही है। तो खैर यही थी आज की अपडेट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।